अस्सलाम वालेकुम न्यू स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मिस आप उर्दू में या हिंदी में वीडियोस बनाएं ताकि हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मुझे एक न्यू टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आज, वो है पेप्सिन क्या होती है, पेप्सिनोजिन किसको कहते हैं, पेप्सिन पेप्सिनोजिन में कन्वर्जन किस तरह से होती है, पेप्सिन प्रेजेंट कहाँ पर होती है, उसका रोल क्या होता है। बहुत आसान, बहुत ईजी सा टॉपिक है पेप्सिन एंड आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पेप्सिन कहते किसको हैं। पेप्सिन एक इजीली लैंग्वेज में बोले तो ये एक एंजाइम है जिसकी पीएच जो है वो 2 है। दूसरा, ये आपको हेल्प आउट कर रहा है प्रोटीन डाइजेशन करने में, यानी जो भी आपके खाने में प्रोटीन है उसमें डाइजेशन आपको हेल्प आउट कर रहा था। प्रोटीन आप खाने में कहाँ से इंटेक करते हो? प्रोटीन देखा जाए तो सुबह ब्रेकफास्ट किया था और अंडा तो लेते होंगे, और अंडे में जो एग वाइट हिस्सा है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। गोश्त खाते होंगे, प्रोटीन है, और चिकन खाते हैं, प्रोटीन है, उसके अलावा बहुत सी दालें खाते हैं, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में जाने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन हम खा तो लेते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट कौन करता है, उसको हजम कौन करता है, उसको हजम करने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। अब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टमक बना लेते हैं, बिकॉज डाइजेशन तो आफ्टर ऑल हमारे स्टमक में ही होनी है। स्टमक की डायग्राम बहुत आसान, बहुत ईजी सी है, आप सब बच्चों को आनी चाहिए, आप सब बच्चे घर पर ये प्रैक्टिस करें। जितने भी बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको बायो के लिए जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हो आप लोग या डाइजेशन डिस्कस करते हो तो आपको स्टमक बनाना आना चाहिए, बल्कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए। डायग्राम्स जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे। तो यहाँ पे जब भी आप फूड इनटेक करते हो, जो भी बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊँ, बहुत आसान तरीके से बताऊँ, तो जो भी बेटा आप खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद जैसे ही स्टमक की वॉल के साथ आपके टच होता है, टकराता है, तो इसके अंदर से कुछ केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं फ़ौरन से, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। उस पूरे केमिकल के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब इस जूस की बात करें तो इस जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बेटा बहुत इजी है कि इसके अंदर आपके पास HCl है प्लस पेप्सिन, यही पेप्सिन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पेप्सिन जैसे खाना आपके स्टमक की वॉल के साथ टकराता है तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, HCl रिलीज होना शुरू हो जाएगा। HCl एंड पेप्सिन बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक को फिल करना शुरू कर देगा, जो भी खाना है, जो भी फूड आपने इंटेक किया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो बेटर मिक्सिंग के लिए गैस्ट्रिक जूस जितना अच्छे तरीके से आपके खाने के साथ मिक्स होगा उतनी अच्छी डाइजेशन होगी। यहाँ बात करते हैं अपनी पेप्सिन की। कुछ बच्चे क्वेश्चन मेरे रेज करते हैं कि मिस पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, तो अगर ये हमारी स्टमक की वॉल से रिलीज होती है तो हमारे स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट क्यों नहीं करती है? बिकॉज हमारी बॉडी में जो हमारा स्टमक है या हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोटीन से तो बने होते हैं, जितने भी मसल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है बेटा, इस तरह से है कि पेप्सिन कभी भी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होती, ऑलवेज पेप्सिनोजिन के फॉर्म में रिलीज होगी। पेप्सिनोजिन ऑलवेज पेप्सिन में कन्वर्ट होती है, और पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजिन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म। एक्टिव बेटा वो होता है जो काम करता है, जो डाइजेशन करता है, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिनोजिन क्या है, इनएक्टिव है, डेड रहता है, काम नहीं कर सकता है ये एंजाइम। मिस क्वेश्चन यू बनता है यहाँ पे, मिस पेप्सिनोजिन कब पेप्सिन में कन्वर्ट होगी, उसे कैसे पता चलेगा मुझे पेप्सिन में जाना है, मुझे अपना फंक्शन करना है? तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन का जो आंसर है यहीं पे है, जब तक आपके स्टमक के अंदर पीएच जो है वो 2 ना हो जाए। अब पीएच 2 कब होती है, पीएच के चार्ट को भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि बेटा जी पीएच का जो लेवल है वो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है, 14 तक। सेंटर में 7 आता है, 7 हम यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए, और 7 से ऊपर 7 to 14 जितना भी देखा जाए वो सारा बेसिक है, और जितना भी 7 से नीचे देखे 0 तक ये सारा क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 पीएच का मतलब है कि वो बहुत एसिडिक है। जितना ज्यादा वो 0 के करीब होता जाएगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, किसी की पीएच 1 है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर 1 की, जिसकी पीएच 1 हो, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, क्योंकि वो 1 के करीब है तो वो हाईली रिएक्टिव है। सो यहाँ पे हमारे पास पीएच, पेप्सिन की बात करें तो ये क्या है, 2 पीएच। इसका मतलब है कि जब तक हमारे स्टमक में एसिडिटी 2 तक नहीं आती है तब तक पेप्सिन एक्टिव नहीं हो सकती।
अब एक्टिव कैसे होगी कि बेटा जैसे ही फूड आपकी स्टमक की वॉल के साथ टकराती है तो यहाँ पे पहला काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl है और पेप्सिन है। पेप्सिन यहाँ पे क्यों कहाँ पड़ी हुई है, पेप्सिनोजिन के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हुई है जो कि एक्टिव नहीं है। अब जैसे जैसे HCl रिलीज होता जाएगा उसी तरह से आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ही एसिडिटी का लेवल इंक्रीज करेगा यहाँ पे आपकी पेप्सिनोजिन पेप्सिन में फौरन से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसकी कन्वर्जन होगी ये एक्टिव होगी, एक्टिव होने के बाद जो भी फूड यहाँ पे आई है उसको फौरन से चॉप करके डाइजेस्ट करके उसको प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगी ताकि बहुत इजीली वो डाइजेस्ट हो सके। यहाँ पे बेटा एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करती जाऊँ, HCl का जो रोल गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पे नजर आ रहा है, HCl यहाँ पे दो तरह से काम करता है। एक तो ये आपके स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है ताकि पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके, नंबर वन। दूसरा बच्चा ये इसमें आता है कि हमारे पास HCl का दूसरा रोल ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाने में बहुत सारे माइक्रोगेनिज्म भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जर्म्स भी हो सकते हैं, कभी कभी हम हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं, कभी हमारे बर्तन साफ नहीं होते हैं, जब कभी हम बाहर से खाना खाते हैं तो बेटा उन जर्म्स को किल करने का काम भी कौन कर रहा है, HCl ही यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे HCl का इतना बेहतरीन रोल है हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए।